यही दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 की आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कंटेंट नोट वेरीफाइड को लेकर। तो यहाँ पर जो है काफी दोस्तों एक कमेंट है कि सर हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो यहाँ पे फिल कर दिया है, बट एप्लीकेशन स्टेटस में जो है हमारा कंटेंट नोट वेरीफाइड जो है यहाँ पे लिखा रहा है, तो क्या जो है दोस्तों इसका मीन्स है, और यहाँ पर जो है दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे ओके है या नहीं, एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट, कंप्लीट अपडेट आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और हाँ दोस्तों अगर हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सिंपली आपको जो है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जो है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉग इन करके अपने डैशबोर्ड में जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर जो आप सिंपली देख पाएंगे कि आपको जो है दोस्तों जीडी 2024 के लिए आपका डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद जो है दोस्तों जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस यहाँ पे चेक करेंगे तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको आप यहाँ पे देख पाएंगे एप्लीकेशन स्टेटस। तो आप यहाँ पर जो है दोस्तों जैसे ही आप एप्लीकेशन स्टेटस पे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर जो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे एप्लीकेशन स्टेटस कॉन्स्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। तो इसके लिए जो है दोस्तों आप सिंपली यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्टेटस आप यहाँ पे देख पाएंगे, कंप्लीट कंटेंट नोट वेरीफाइड, फोटो सिग्नेचर अपलोड आप यहाँ पे देख पाएंगे, अपलोडेड कंटेंट नोट वेरीफाइड। इसके बाद जो है दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे अप्लाई फॉर्म कंप्लीट कंटेंट नोट वेरीफाइड। जो है दोस्तों पेमेंट स्टेटस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपका जो है फी एग्जेम्प्टेड। तो ये जो है दोस्तों जिन भी कैटेगरी जैसे कि आपका फीमेल और एससी एसटी हो गया, इनमें जो आपका फीस यहाँ पे नहीं लगता है तो आपको फीस एग्जेम्प्टेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी जो है दोस्तों अगर आपका फी लगता है तो आपको जो है कंप्लीट या फिर जो है आपका जो है पेंडिंग में अगर यहाँ पे है तो दोस्तों आपको वो स्टेटस जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका फाइनली जो है एप्लीकेशन स्टेटस, और इसमें जो है आप सिंपली यहाँ पे देख पाएंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड आपका कंटेंट नोट वेरीफाइड। तो इसको लेकर जो है अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों क्या इसका मीन्स है और आपका जो है फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, इसके लिए जो है दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी ने जो है दोस्तों आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड को ही जो है यहाँ पे कंटेंट नोट वेरीफाइड में जो है यहाँ पे चेंज कर दिया है। और इसका मीन्स यही है कि आपका जो है फॉर्म जो है दोस्तों सक्सेसफुली यहाँ पे ले लिया गया है, फॉर्म जो है यहाँ पे ले लिया गया है। बट आपको बताया दोस्तों एसएससी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है कोई भी यहाँ पे अपलोड नहीं होता है, आप जो है अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करते हैं। तो यहाँ पर जो है यही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका जो है फॉर्म जो है यहाँ पे दोस्तों ले लिया गया है, बट आपकी जो है जो डिटेल्स हैं वो एसएससी यहाँ पे वेरीफाई नहीं करता है। और ये जो है दोस्तों आपका जो है आप मान के चलिए कि यहाँ पर जो है दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपकी तरफ से बिल्कुल ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी जो है दोस्तों आपका जो है एप्लीकेशन स्टेटस जब यहाँ पे एडमिट कार्ड के लिए जारी होंगे उस वक्त आपको जो है देखने को मिलेगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे जो है एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट। और इसके लिए जो है आपको बता देंगे दोस्तों मैक्सिमम जो है वो चांस यही होता है कि अगर आपने जो है दोस्तों फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में जो है कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं की है तो आपका जो है फॉर्म यहाँ पे ले लिया जाएगा। यहाँ पर जो है दोस्तों फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में जो आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे एक्सेप्ट है, कोई इशू नहीं है। बाकी जो है दोस्तों आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा। इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।